बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू मनो सलवा कुकिंग टाइम। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं बना रही हूँ बेसन की फुलकियाँ। इन्हें बूंदियाँ भी कहा जाता है। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार होती हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कप बेसन है मेरे पास, बाउल में डाल लेंगे। आधा कप मैदा है, बाउल में डाल लेंगे। मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है, शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट है, शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे। पानी है, शामिल करते जाएंगे और मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ये फ्लफी हो जाए। इसको बीट करना है बहुत अच्छे से, तो मैं इससे बीट करूंगी। इसे भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ फ्राई करते हैं। इस तरह का चम्मच जो हम फ्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, ये हर घर में मौजूद होता है। इसको हम यूं रखेंगे कढ़ाई के ऊपर उल्टा, फोन इस तरह से रखेंगे, हाथों में बैटर लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन गई है, इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं सारी बूंदियां निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल्कियाँ तैयार हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजल फरमाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।